हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 6-7 महीने बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो आप सोच रहा हूँ कि यार कंटिन्यू ब्लॉग करूँ, ठीक है, तो आप सभी का कोऑपरेशन चाहिए मुझे। सो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी तो यार ठीक है, नहीं आ रही है तो थोड़ा कोऑपरेट करो, मैं थोड़ा थोड़ा करके सही करने की सोच रहा हूँ। तो इसे देख सकते हो आप, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, एकदम अलग ही लग रहा होगा आपको अभी, मतलब कि यार कहाँ रहता है ये बंदा, ठीक है। मतलब मुझे तो अभी उतना फील नहीं होता क्योंकि मैं यहीं का हूँ। अगर कोई अगला नया बंदा देखेगा कि यार हाँ ऑसम व्यू है यार, क्योंकि आगे का जो व्यू बन रहा है वो बहुत ही तगड़ा बन रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ किस टाइप का व्यू बन रहा है, ठीक है। देख सकते हो जो सामने दिख रहा है आपका, ये है हमारा चिल्ठा जो पूरा ढक चुका है बादलों से, एंड ये वाली एरिया पूरी बहुत ही, यहाँ से जो लेफ्ट साइड पर है आपके, इस साइड से पिंडारी ग्लेशियर को जाते हैं। यहाँ पर मतलब काफ़ी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हो, इस मौसम को छोड़ के किसी भी मौसम में जा सकते हो। एंड सरयू नदी हल्की हल्की दिख रही है आपको, जो ये सरयू नदी दिख रही है ये भी, इसका उद्गम स्थल भी यही है। सो और आगे आप देख सकते हो ये है हमारा सलिंग गांव, आगे से रोड भी बनी हुई है, रोड यहाँ पर से तकरीबन 600-700 मीटर होगा। सो मौसम काफ़ी सुहावना है। गाइस, आजकल खेतों में बहुत सी सब्जियाँ उग रही हैं, तो मैं आप सभी को एक बार सब चीज़ दिखा देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊंगा, सब चीज़ कवर करूँगा वीडियो के अंदर, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एंड ऊपर जो खेत में दिख रहा है, कुछ मक्के के पेड़ दिख रहे हैं, बैगन के पेड़ दिख रहे हैं, वहीं जाके दिखाता हूँ, ठीक है। मिर्च के पेड़ वेड़, बड़ी बड़ी मिर्च हो रही है आजकल, तो वो मैं मतलब सोच रहा था यार कि अट्रैक्टिव बनाऊँ व्लॉग को ताकि आपको देखने में मज़ा आए। सो वही रहेगा कि यार व्लॉग अट्रैक्टिव बने एंड आपको देखने में मज़ा आ जाए, बस यही है उम्मीद। आपको पसंद आए मतलब वीडियो, जिस आपके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच के आया हूँ यार अपनी मैंटलिटी को, मैं एकदम से बना के आया हूँ एक मेंटलिटी कि मैं हाँ वीडियो बनाऊंगा एंड अच्छी बनाऊंगा जो कि आप सभी को पसंद आए मेरी वीडियो। सो दिखाता हूँ फिर आपको। सो थोड़ी देर में मेरे को ये ताऊ ने बोला है कि यार ये भी उठा देना, ये क्या है, ये है जौ, ये भी मतलब आप कम ही देखने के लिए मिलता है, मतलब पहाड़ों में ही उगाया जाता है ये, मतलब नीचे को होता है नहीं होता है ये मेरे को पता नहीं है। ये है जो, इसको भी उठाना, अगर बारिश लग जाएगी तो इसको मेरे को उठाना पड़ेगा। एंड ये है जो ये आप देख रहे हैं, ये लगे हुए हैं, इसमें लगेंगे आपकी गीठी, गीठी आप जानते होंगे, एंड साइड पर लौकी का कुछ कुछ थोड़े थोड़े लग चुके हैं, आप देखिए, इनको बोलते हैं तुम, इसको क्या बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, कुमिन या पता नहीं क्या है, जो भी है लगा हुआ है, हल्के हल्के लग रहे हैं। एंड यहाँ पर जमीर लगा हुआ है, देख सकते हो गाइस, मतलब छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे फल आजकल लगते हैं। गाइस ये है मक्के का पेड़, यहाँ पर हो रहे हल्के हल्के बैगन, बैगन दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए गोल गोल बैगन हो रहे हैं, मतलब अभी स्टार्टिंग है वैगन होने की। एंड यहाँ पर भिंडी का पेड़ देख सकते हो आप, भिंडी में कलियाँ आने शुरू हो चुकी हैं, कुछ कुछ भिंडियाँ लग भी चुकी हैं, देखिए। मतलब आजकल का मौसम कितना सही हो रहा है आप सभी को पता ही होगा, तो आजकल मतलब बॉडी में अलग ही एनर्जी आ जाती है 2-4 दिनों के अंदर। एक्चुअल में मैं 3-4 मंथ बाहर था, तो यार मैं थोड़ा शरीर थोड़ा कमज़ोर हो चुका था, आजकल थोड़ा फिट होने लग गया हूँ मैं, थोड़ा मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि एनर्जी आ रही है। गाइस आप इसका नाम जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ, ये है आपका पुदीना, जिसकी चटनी भी बनती है, बहुत सारे कामों में यूज होता है। एंड यहाँ पर सामने नाशपाती का पेड़ भी था, ये है लंबे वाले बैगन जो भी काफ़ी शानदार लग रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए बड़े बड़े मिर्च हो रहे हैं, मिर्च जानते होंगे आप, मिर्च इतने सारे पेड़ हैं मिर्च के। सो यहाँ पर छोटा वाला नींबू जी, जिसका रेट आजकल बहुत हाई हो रहा है, वो है बहुत ज़्यादा हो रहे नीचे वाले पेड़ पे, वाले पेड़ पे मतलब, यार वो वीडियो में आधी चीज़ें तो मैं कवर कर चुका हूँ। सो मैं अभी नीचे जाता हूँ,
एंड नीचे जाके आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है और बच चुके हैं। मेरे को भी अभी उतना कुछ पता नहीं है यार क्या क्या लगा हुआ है। सो मैं एक बार नीचे जाके चेक करता हूँ, मतलब चेक क्या करता हूँ, वीडियो खुली रहती है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको भी दिखाऊंगा, मैं भी देख लूंगा। सो अभी तक मैं देखा नहीं, तो अगर आप सभी को सब्जी अब दिखानी होगी कोई यहाँ का तो यार बता देना, ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मोदियाल चाहो ध्यान हेटो उसे दर ध्यान तमिल सुबह। इस देख सकते हो ये है पंखा लगा हुआ, आगे से साफ करने का एक तरीका होता है, पहले से हैंड से करते थे, हाथ से फटियाव लगाते थे आजकल साफ करने के लिए। ये सारी सब्जियां लगी हुई है, कुछ फूल लगने वाले हैं अभी। एंड मैं बता दूं आपको ये क्या क्या है, कुछ मिर्च के पेड़ हैं और जो ये बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको ये पत्ते, ये है इसके अंदर गडेरी होता है शायद, हाँ गडेरी बोलते हैं उसको, टेस्टी सब्जी होती है। एंड सामने आपको बड़े बड़े नींबू दिख जाएंगे, ये भी होते रहते हैं। सो आगे वही लौकी का पेड़ है वही। सो नए नए फूल लग रहे हैं। एंड टमाटर दिखाता हूँ आपको मैं, ये हरे टमाटर, ये सिर्फ हरे ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट इतना ज़्यादा गर्म नहीं है तो यार ये लाल नहीं हो पाते हैं। जो पहाड़ की सब्जियाँ होती है गाइस काफ़ी, मतलब शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती है, सूटेबल होती है। सो जो बाहर से आती हैं तो वो सब्जियों में ज़्यादातर केमिकल यूज करके उनको बड़ा या पका दिया जाता है। सो वही मैं देख सकते हो, ये कुछ जस्ट 5 मिनट में मौसम चेंज हो चुका है, बादल आ चुके हैं पूरे आकाश में देख लो। एंड यहाँ पर नए नए फूल लग रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, गुड़हल का फूल है शायद, मे भी गुड़हल है, ये है गुड़हल का फूल। मतलब इस तरह से कई प्रकार के फूल उग रहे हैं, अभी मैं आपको कुछ नए फूल दिखाता हूँ। और एक और है ये फूल का पेड़, इसमें भी फूल लगते थे लेकिन अभी इसमें फूल लगे हुए नहीं है, ये भी पूरा फूल का पेड़ है, आगे देख सकते हो इसमें लगे हुए हैं हल्के फूल। एंड और दिखाता हूँ आपको क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है संभल के, आजकल बारिश की वजह से पूरा फिसलन हो जाता है, दिखाता हूँ आपको ये देखिए, इसमें इंसान फिसल गया तो यार हड्डी टूटेगी सीधे। सो मैंने सब चीज़ तो आपको दिखा दिया है, सो मतलब जितनी भी सब्जियां हो रखी थी एंड जो कुछ अभी बचा है तो मैं अभी आगे कवर करते रहूँगा, अभी तो मैं फिलहाल कर रही हूँ, शाम को दौड़ने जाता हूँ, खुद अभी दौड़ने की जब मैं रनिंग करने जाता हूँ तो वाली वीडियो भी आपको दिखाऊँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कमेंट करना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है मिलते हैं फिर, टेक केयर एंड बाय बाय।